दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। दोस्तों आज भी स्टेटस में बहुत सारी गड़बड़ियां दिख रही हैं। आपकी स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी, बीच में रुक जाएगी, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि करेक्शन करना है और करेक्शन की डेट क्या है और आपकी स्कॉलरशिप में बार बार ये गड़बड़ी क्यों दिखा रही है, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो स्टेटस चेक करना जरूरी है रोज का रोज, वीडियो मेरी पूरी की पूरी देखना जरूरी है, क्योंकि मैं एक एक करके आपके सवालों के जवाब सहित क्या नया आज हुआ है सारी चीजें रोज का रोज कवर करता हूं। तो सबसे पहले आपको स्टेटस आज का चेक करना है। स्टेटस चेक करता हूं मैं स्टूडेंट्स का, दो तीन स्टूडेंट्स का, और आपको दिखाता हूं कि आज क्या गड़बड़ी हुई है, क्या आपकी स्कॉलरशिप फिर से अटक गई है या आएगी, या फिर से जो आपने करेक्शन किया था वो सब सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है sarkarijobfind.com का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप इसे गूगल में सरकारी जॉब फाइंड के नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं गूगल में गया और यहां पर लिख दिया गूगल में, देखिए सॉरी, और यहाँ पे मैं लिख दिया सरकारी जॉब फाइंड, SARKARIJOBFIND, इसको लिख के सर्च कर दिया। ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगी sarkarijobfind.com के नाम से, यहाँ पे दिख रही है, इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह की दिखेगी आपको। यहाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019-20 यहाँ पे दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है और इसकी लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। आपको यहाँ पे नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे बस आएंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की सारी लिंक्स मिल जाएंगी। यहाँ पे सीधे नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे चेक करें, यहाँ पे सब पॉइंट वाइज है। यदि आपको नहीं आता है, आप नए यूजर हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। यहाँ पे देखिए चेक स्कॉलरशिप फॉर ऑल कैंडिडेट के सामने जो क्लिक है वहां पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखिए चेक स्कॉलरशिप फॉर ऑल कैंडिडेट, यहाँ पे सामने क्लिक है पे क्लिक करना है, मैं इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको अपनी कक्षा चुननी होगी। कक्षा यहाँ पे देखिए मैं अपनी चुन लेता हूँ, जैसे प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो भी आपको चुननी होगी मैं चुन लेता हूँ। जैसे कि मैं पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें दोस्तों नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भरना है, यहाँ पे जन्म, उसके बाद जन्मतिथि, और उसके बाद कैप्चा कोड भर के आगे बढ़ना है। मैं इन सबको भर के आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों मैं सारी चीज़ें यहाँ पे भर लिया हूँ, अब इसको इसको मुझे आगे बढ़ना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा कभी कभी टाइम भी लेता है, तो आप इसे देखते रहिए जैसे ओपन हो जाता है। ये देखिए दोस्तों मेरा ओपन हो गया, यहाँ पे सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आ रहा है, इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट विस्ट मैचेड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन पत्र को संशोधित का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे क्लिक करके संशोधित कर सकते हैं, या तो आपको सबसे पहले आगे जाना है आवेदन पत्र की स्थिति जाने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे कभी कभी साइट नहीं ओपन होती, यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है क्योंकि बहुत साइट पर लोड होता है। तो ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीजें मेरी आ गई। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखा रहा है, ये सब। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक हो गया, यहाँ पे दो चीजें आ रही थी, यहाँ पे एक दिखा रहा था कि स्क्रूटनी रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा था, और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन बैंक का आ रहा था, दोनों ऑप्शन हट गए हैं यहाँ से। और यहाँ पे करंट स्टेटस ये दिखा रहा है कि एनरोलमेंट नॉट मैच्ड यूनिवर्सिटी डाटा। मैं एक और स्टेटस आपको दिखाता हूँ, देखिए एक स्टेटस में और यहाँ पे भर लिया हूँ सब कुछ चीजें। उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा ये देखिए ये सारी चीजें आ गई। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई इनकरेक्ट इनकरेक्ट नहीं बता रहा है, यहाँ पे सब कुछ सही दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए यस यस लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। और यहाँ पे आपको ये वाली लिंक पे सबसे पहले क्लिक करना, आवेदन पत्र की स्थिति मुझे जाननी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कभी कभी साइड नॉट रजिस्टर्ड बताएगी, इसको फिर से आपको रिफ्रेश करना है, आगे बढ़ना है कंटिन्यू करके। तो इसको छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सही आपको तरीका बता रहा हूँ, किसी तरीके से करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे ये जो है ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड फॉरवर्डेड, मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, फाइनल सेमेस्टर कंप्लीटेड, इंस्टीट्यूट लेवल फॉरवर्डेड। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए वेरिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाई इंस्टीट्यूट दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, स्क्रूटनी रिजल्ट का नाम कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। दोस्तों इस तरह से अलग अलग स्टेटस रोज का रोज चेंज हो रहे हैं, तो रोज का रोज चेंज हो रहे हैं तो उसमें आपको करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है। धैर्य बनाए रखेंगे तो अच्छी बात होगी। और यहाँ पे धैर्य बना के क्या करना है दोस्तों आपको, ये देखिए सबसे पहले मैं इस पर आ जाता हूँ। तो ये इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये जो स्टेटस दिखा रहा था एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट विस्ट यूनिवर्सिटी डाटा, यहाँ पे आप आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे संशोधित भी कर सकते हैं। यदि आपने सब कुछ सही भरा है तो बिल्कुल आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, और आपको बिल्कुल स्टेटस आपका बिल्कुल सही दिख जाएगा और कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि रोज का रोज यहाँ पे स्टेटस जो है यहाँ पे इनकी तरफ से चेंज हो रहा है और रोज का रोज यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यदि आपने सब कुछ सही भरा है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। और कुछ कुछ लोगों में ये आ रहा है कि आपको जो है सेम इनकम सर्टिफिकेट बता रहा है,
दोस्तों आपने सेव इनकम सर्टिफिकेट लगातार लगा दिया है तो गड़बड़ आपने किया है, इसका रसीद आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, तो ये जो है आपको जो है देखना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ सही भरा है, तो नियमित रूप से आप स्टेटस हमारा रोज का रोज देखते रहिए और आपका स्टेटस जो है यहाँ पे अपडेट होता है रोज का रोज। और आपको कुछ नहीं करना है यदि आपने सब कुछ सही भरा है, और फिर से करेक्शन की लिंक जो है 17 या 18 दिसंबर से आ जाएगी, तो बिल्कुल आप उस तारीख से भर सकते हैं फॉर्म को, आपको कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल आप स्टेटस अपने दोस्त यार सबको बताइए, सब अपना स्टेटस चेक करते रहें और आपको देखते रहें कि या क्या आगे बढ़ रहा है या नहीं। स्क्रूटनी रिजल्ट को देखकर आप परेशान मत होइए, स्क्रूटनी रिजल्ट को देख बिल्कुल आप परेशान मत होइए, स्क्रूटनी रिजल्ट सबका सही हो जाएगा। जब मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा हाँ अब आपको करेक्शन करना है तब आप करिएगा, अभी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वीडियो आपको वैसे लगी मुझे जरूर बताइए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे सभी लोग अपना स्टेटस चेक करके जान पाएं कि वो किस स्थिति में है। और दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा स्टेटस चेक करने का, आप सीधे बैंक खाता डालकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो तरीका मैं बाद में बताऊंगा। तो वीडियो बने रहिएगा, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।